This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. जॉयस्टिक ग्लोबल टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल टेक्निक इन अवर होल प्लेनेट। अच्छा एंड गाइस आज कंपेयर किसी भी ग्लोबल टेक्निक से सबसे बढ़िया ग्लोबल टेक्निक ये वाला है। तुम लोग नोटिस करते हो नॉनस्टॉप भाई के लाइव में जो भी एलियंस खेलने आते हैं इंटरनेशनल यूट्यूबर जो खेलने आते हैं उन लोगों का गेम प्ले अगर एनालाइज करोगे तुम लोग तो वो लोग जंप ही नहीं करता है। वो लोग देखना गाइस 90% ग्लोबल इसी टेक्निक के साथ लगाता है। अब ये ग्लोबल गाइस इतना परफेक्ट क्यों है, इतना प्रोफेशनल क्यों है? अगर तुम लोग सोच रहे हो इसको रो कैफ यूज करता है दैट्स व्हाई ये इतना पॉपुलर है देन तुम लोग रॉन्ग हो। अभी देखो गाइस तुम लोग एग्जांपल के साथ बता रहा हूं ये ग्लोबल टेक्निक इतना परफेक्ट क्यों है। चलो भाई नॉर्मली गाइस हमारे इंडियन सर्वर के प्लेयर होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऐसे बंदरों जैसा उछल उछल के ग्लोबल लगाते हैं एंड दैट्स व्हाई तुम्हारा कैरेक्टर बहुत टाइम के लिए खुले में रहता है। जस्ट यहां पर एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने फायर करा ग्लोबल लगाया। अब हमारा जो गाइस जनरेशन चलता हुआ आ रहा है मतलब बंदरों जैसा उछल के रफ करना है, ठीक है, हम लोग वही टेक्निक यूज करते हैं। फिर अगर हम लोग गाइस फायर करेंगे तो उससे पहले हम लोग जंप करते हैं और यही गाइस सबसे बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर देखो गाइस बहुत टाइम के लिए हमारा जो कैरेक्टर होता है वो खुले में रहता है और एनिमी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वो तुमको भी मार सकता है या फिर तुम भी उसको मार सकते हो, चांसेस आर 50-50। बट गाइस इसी जगह पर अगर हम लोग यूज करते हैं जॉयस्टिक ग्लोबल टेक्निक तो इस कंडीशन में देखो गाइस तुम लोगों को कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। इस कंडीशन में गाइस एनिमी को तुम दिखोगे ही नहीं, पहली बात तो एनिमी को तुम दिखोगे ही नहीं, एनिमी तुमको एम ही नहीं ले पाएगा। यहाँ पर देखो एग्जांपल अपोनेंट एनिमी के व्यू से तुम लोग देखो ज्यादा बेहतर समझ जाओगे। यहाँ पर देखो माही मुझे मारने की कोशिश कर रही है या फिर एम मेरे ऊपर लेने की कोशिश कर रही है बट गाइस मेरा कैरेक्टर यहाँ पर देखो खुले में आता ही नहीं है। इस ग्लोबल टेक्निक की वजह से देखो गाइस मैं कितने परफेक्टली इसको नॉक कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेरा कैरेक्टर खुले में आता ही नहीं है, मतलब गाइस कोई अपोनेंट एनिमी तुम पर एम ले ही नहीं पाएगा और तुम लोग इजीली उसको नॉक डाउन कर सकते हो। और ये ग्लोबल टेक्निक गाइस वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल टेक्निक है। अगर तुम लोग मेरा पर्सनल फेवरेट ग्लोबल टेक्निक बोलो तो यही वाला मेरा पर्सनल फेवरेट ग्लोबल टेक्निक है। आई नो गाइस मैं यूज करता हूं स्ट्रेट ग्लोबल जो सीधा होता है काफी फास्टली, क्योंकि गाइस मैं मोंटाजेस के लिए खेलता हूं और ये ग्लोबल टेक्निक मैं तब खेलता हूं जब मैं कोई इंपॉर्टेंट कस्टम खेल रहा होता हूं या फिर 1v1 खेलता हूं, तो ये ग्लोबल टेक्निक मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। और लिटरली गाइस कितना बढ़िया ग्लोबल टेक्निक है तुम लोग इधर एग्जांपल भी देख चुके हो। सो भाई लोग चलो देखते हैं इस ग्लोबल टेक्निक को हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और हम लोग भी कैसे बाहर सर्वर के एलियन जैसा खेल सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले गाइस इतना प्रोफेशनल वीडियो लेके आया हूं तुम लोगों के लिए तो तुम लोगों का भी कर्तव्य बाय मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो या फिर शेयर नहीं भी करोगे अपने दोस्तों को, मुझे पता है तुम लोग शेयर नहीं करोगे, साला नहीं दिखाना चाहते हो तुम लोग, तो लाइक कर देना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस देखने को मिल जाते हैं और रेगुलर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो भाई लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब दो गाइस एक चीज तुम लोग क्लियर कर दो, अगर तुम लोग फोर फिंगर प्लेयर हो ठीक है मतलब फोर फिंगर से खेलते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल टेक्निक है तुम्हारे लिए, सबसे इजी होगा तुम लोगों के लिए क्योंकि ये ग्लोबल टेक्निक फोर फिंगर के लिए सबसे बेस्ट होता है। इवन तुम लोग थ्री फिंगर में भी यूज कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा और टू फिंगर के लिए उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ थ्री फिंगर प्लेयर। अभी देखो तुम लोगों को क्या करना है गेम सेटिंग ताकि तुम लोग इस ग्लोबल टेक्निक को यूज कर सको, थ्री फिंगर टू फिंगर इसके लिए क्या गेम सेटिंग रखना है तुम लोग इधर देखो। सो गाइस सबसे पहले तुम लोग लेफ्ट फायर बटन को इनेबल कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्लोबल टेक्निक के लिए, इवन किसी भी ग्लोबल टेक्निक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको पहले इनेबल कर लेना। सेकंड है गाइस तुम लोग अपने सेंसिटिविटी को थोड़ा बढ़ा लेना, अगर तुम लोग बहुत कम में खेलते हो थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट है गाइस एचयूडी, एचयूडी में तुम लोग कुछ खास चेंजेस नहीं करना है, हर एक एचयूडी में तुम लोग कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पर मैं अपनी तरफ से तुम लोग को सजेस्ट करूंगा अगर तुम लोग जंप बटन या फिर रन बटन या फिर क्राउच बटन इन तीनों बटन में कोई एक बटन अगर तुम लोग राइट में रख सकते हो तो तुम लोग के लिए इजी होगा, ठीक ठाक है, वेरी गुड। बट यहाँ पर तुम लोग बोलोगे साले तेरा तो सारा बटन इधर, तू कैसे कर रहा है? सो इसके लिए लगता है भाई प्रैक्टिस। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो इधर रख कर भी कर सकते हो, बट मैं तुम लोगों को इधर वार्निंग दे रहा हूँ सारे बटन्स का इधर यूज है और तुम लोगों को समझ रहे हो ना दो ही फिंगर से करना पड़ेगा, सो डिफिकल्ट होगा थोड़ा बट कर सकते हो। सो गाइस ट्यूटोरियल तो बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा तुम लोगों को देखने में बट इसको करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, ठीक ठाक है, वेरी गुड। सो करना यहाँ पर क्या है तुम लोगों को, सबसे पहले एनिमी स्पॉट करना, सबसे पहले तो आपको सिंपल से एनिमी के ऊपर ड्रैग अप करना है, अगर हेड लगा तो बढ़िया है, हेड नहीं लगा तो हम लोग ग्लोबल लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ड्रैग अप, चलो हेड नहीं लगा तो हम लोग अब लगाना है ग्लोबल। सिंपल से क्या करना, नॉर्मल जो तुम लोग ग्लोबल लगाते हो बस वही टेक्निक, ग्लोबल यहाँ पर टैप करो फिर क्राउच बटन टैप करो
और इधर गाइस लेफ्ट फायर बटन से या फिर राइट फायर बटन से, तुम लोगों के पास दो चॉइसेस है, बट मैं रेकमेंड करूंगा तुम लोग लेफ्ट फायर बटन से लगाओ अगर तुम लोग थोड़ा फास्टली लगाना चाहते हो और अगर तुम लोग मिस्टेक नहीं करना चाहते, ठीक है। ग्लूबल लगाते टाइम देखना काफी बार मिस्टेक हो जाता है, सो अगर तुम लोग मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तुम लोग लेफ्ट फायर बटन से लगाओ। यहाँ पर सिंपल सा गाइस मैं ग्लूबल लगा लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर तुम लोग तीन तीन बटन टैप करना जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले गाइस तुम लोग टैप करना रन बटन, फिर जितना जल्दी हो सके ठीक है उतना जल्दी तुम लोग टैप करना दो बटन, इधर क्विक स्विच बटन और जॉयस्टिक बटन, ये दोनों बटन टैप करना है। और जॉयस्टिक मूव करना है जिधर एनिमी मूव कर रहा था, ठीक है। ग्लूबल लग जाने के बाद सिंपल से जॉयस्टिक उधर ही मूव करोगे और फिर से तुम लोग एम मिलेगा, फिर से फायर करोगे और फिर से वही टेक्निक से ग्लूबल लगाओगे और जॉयस्टिक उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा और तुम लोगों को एक टाइम आएगा जहां पर तुम लोगों को एम मिल जाएगा और तुम लोग इजीली उसको नॉकआउट कर दोगे। और लिटरली गाइस अपोनेंट एनिमी तुमको 1% के लिए भी मार नहीं पाएगा। और हाँ, पहले पहले तुम लोग मरोगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मिस्टेक करोगे पहले पहले, बट गाइस जब तुम लोग इस टेक्निक में परफेक्ट हो जाओगे तब तुम लोग अपोनेंट एनिमी को दिखोगे ही नहीं, इतना फास्ट तुम लोग करोगे और लिटरली तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट एनिमी परेशान हो जाएगा तुमसे। सो या गाइस ट्यूटोरियल इज डन, यही था हम लोग का आज का ट्यूटोरियल। अब गाइस यहां पर तुम लोग और प्रोफेशनल दिखाने के लिए जॉयस्टिक ग्लूबल भी पुट कर सकते हो। सिंपल सा फायर करना है, फिर ग्लूबल टैप करना है। अब ग्लूबल टैप करने के साथ साथ तुम लोग को जॉयस्टिक यूज करते हुए ही ग्लूबल को पुट करना है, इससे थोड़ा लुक और बेहतर आता है, ठीक है, मतलब और थोड़ा अच्छा दिखता है। सो हे गाइस, आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है। अब गाइस तुम लोग यहाँ पर मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है, ये ग्लूबल टेक्निक गाइस कौन कौन सीख पाया है मुझे देखना है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तुम लोगों को पता है। सो ये कौन सीख पाया है मुझे देखना है। तुम लोग कैसे दिखाओगे, सिंपल सा इंस्टाग्राम पर जाओ और आई होप तुम लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है, नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पर जाकर गाइस तुम लोग अपना एक स्टोरी मुझे मेंशन करो, इस ग्लूबल टेक्निक को यूज करो, एक दो बंदा नॉक करो और मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने कर लिया। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो या चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।